हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी, राजस्थान पीटीए, DTSSB, KVS, NVS सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बर्न बेला कप किस खेल से संबंधित है, यह कौन से खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। खो खो से रिलेटेड है, पोलो से संबंधित है, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात की जाए बर्न बेला कप, तो ये किस खेल से रिलेट करता है, इसका आंसर सही हो जाना चाहिए आपके स्क्रीन पर। कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 181, ये सीरीज आपकी लास्ट है, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, टेबल टेनिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं, सेट ब्राइट वास कहते हैं, पैडलर्स बोलते हैं, ए व बी दोनों बोलते हैं या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल पैडलर्स बोलते हैं, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके बताना है। टेबल के बाइट लाइन की मोटाई कितनी होती है, इसके जो बाइट लाइन होती है इसकी मोटाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी या फिर 15 सेंटीमीटर, राइट आंसर बताइएगा। और इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप यूपी टीजीटी से रिलेटेड देखना चाहते हैं आप तुरंत सर्च करके वहां से देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपका वेरिफिकेशन के जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और डेली का डेली आपको जो मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वह मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको जो कंसेशन है वो कंसेशन आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 राइट आंसर यहां पे 2 सेंटीमीटर के साथ में हो जाता है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होता है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेट की लंबाई कितनी होती है, इसमें बताना है आपको जो नेट की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 184 1.83 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर डी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 184 नंबर, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 184। ए ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, 1.83 सेंटीमीटर, नहीं ए ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते, नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 185 जो नेट होता है इसमें उसकी ऊंचाई बताइएगा, 6 इंच होती है, 9 इंच होती है, 15 इंच होती है या फिर 12 इंच होती है, बताना है आपको। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या फिर आपका उत्तर यहां पे डी के साथ में रिलेट करता है, इनमें 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 185 में आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, ए ऑप्शन। अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि इस वीडियो में 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सर्विस कितने अंकों के बाद बदली जाती है, बताना है आपको, 4 अंकों के बाद सर्विस बदली जाती है, 2 अंक 21 या फिर 29 के बाद में। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, क्या 4 के साथ में रिलेट करेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे 2 अंक के बाद में रिलेट कर जाएगा, आपका बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और इसके पहले कि आप लोग मैराथन क्लासेस भी वहां से देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट के वीडियोज का लिंक भी दिया हुआ है, उन प्रैक्टिस सेट्स को आप वहां से देखकर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। 187 है, मैच कितने पॉइंट का होता है, मैच जो होता है ये कितने पॉइंट्स का होता है, 2 पॉइंट का होता है, 15 पॉइंट का होता है, 21 पॉइंट या फिर 29 पॉइंट का होता है,
आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी लोग का राइट आंसर आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स पुराने हैं वो लोग 500 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। 187 जो रिलेट करता है आपका सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेबल टेनिस खेल की गेंद का व्यास कितना होता है? इसमें जो व्यास होगा टेबल टेनिस खेल की गेंद जो होती है इसमें वो कितना होगा? 30 mm होगा, 40 mm होगा, 60 mm होगा या फिर 55 mm होगा? 188 में देखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। 40 mm से रिलेटेड है आपका बी ऑप्शन, इसमें क्या हो जाता है? राइट आंसर होता है बी, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 189 है, टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना होता है? इसका भार 5 ग्राम होता है, 9 ग्राम होता है, 44 ग्राम या फिर 2.7 ग्राम? 189 को आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिएगा, आंसर किससे रिलेट कर जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेबल टेनिस खेल की जो टेबल में कितनी टांगे होती हैं? 4, 6, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं? 190 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, अगर आपने नहीं देखी तो इस सीरीज को पूरा रिपीट अवश्य करिएगा। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आपको मिलना ये कंफर्म है, चाहे तो 3 क्वेश्चन पूछे जाए चाहे तो 2 पूछे जाए, मिलेंगे अवश्य क्वेश्चन। 190 का सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होता है, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? जो भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो की अगर बात की जाए 1950 में इसकी स्थापना हुई, 1920, 1850 या फिर 1938? 191 आंसर यहां पे जो हो जाता है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1938 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? जो टेबल टेनिस है इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1956 में इसको शामिल किया गया था, 1960 में इसको शामिल किया गया था, 1988 या फिर 2000 में इसको शामिल किया गया था? 192 का आंसर बताना है। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो इसको जो शामिल किया गया 1988, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 193 टेबल टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? जो एशियाई खेल होते हैं इसमें इसको कब शामिल किया गया था? 1958 में शामिल किया गया था, 1988 में शामिल किया गया था, 1970 या फिर 1999 में शामिल किया गया था? 193 टेबल टेनिस की बात की जा रही एशियाई खेल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बहुत जबरदस्त। बस मेहनत आप लोग करते जाइएगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेहनत करना शुरू नहीं किए यूपी टीजीटी के लिए मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि पीजीटी के एग्जाम सेंटर्स का निर्धारण शुरू कर दिया गया है। आप लोग भी अपना टीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपकी डेट कभी भी एग्जाम की आ सकती है। 194 टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? विजेता जो इसमें विनर होता है उसको कौन सा कप दिया जाता है? जी वॉस्ट कप दिया जाता है, स्वैथलिंग कप दिया जाता है, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 194 बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, स्वैथलिंग कप से रिलेट करता है, बी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेबल टेनिस खेल के विश्व महिला टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? इसमें कौन सा कप दिया जाता है? ईरान कप दिया जाता है, कोलापुर कप दिया जाता है, कार्बिलान कप या फिर इनमें से सभी के साथ में रिलेट करेगा? 195 को अटेम्प्ट करके बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, कार्बिलान कप से रिलेटेड है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 196 टेबल टेनिस खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? जो 196 क्वेश्चन है ये पूछा गया, जो टेबल टेनिस खेल है
इसको विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? 1888 में इसका आयोजन हुआ, सन 2021 या फिर इनमें से सभी। 196 को अटेम्प्ट करना है आपको, 1921 में इसका आयोजन हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पिंग पोंग खेल किस खेल से रिलेटेड है? ये किससे रिलेट करता है, कौन सा हो जाएगा? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस। 197 आंसर अटेम्प्ट करिएगा, स्कोरिंग करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत से स्टूडेंट बार बार कॉल करके पूछ रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें व्यस्तता ज्यादा होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था। लेकिन आपके एग्जाम के पहले जिस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे तो पेड ग्रुप हो चाहे तो यूट्यूब चैनल हो, दोनों प्लेसेस पे इक्वल क्वेश्चन जिस तरीके से पहले टीजीटी में प्रिपरेशन कराएगी सेम वही पैटर्न आपका अपनाया जाएगा। 197 यहां पे डी ऑप्शन टेबल टेनिस से रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बर्न बेलॉक किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से रिलेटेड? 198 रिपीटेड क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, अभी आपने क्वेश्चन इसको रीड किया हुआ है। 199 है जय लक्ष्मी कप किससे संबंधित है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस बार एग्जाम में, यूपी टीजीटी में पिछली बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। 199 डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन टेबल टेनिस से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। आज की इस वीडियो का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, गल्फ कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, एवं भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो गल्फ कप की अगर बात की जाए तो टेबल टेनिस से रिलेट करता, सीरीज वही चल रही थी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, नए स्टूडेंट 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। 9621819205 फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो नया वीडियो मिलता है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।